हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। मैं नेहा सिंह, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्मयोग की पुस्तक समीक्षा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो वीडियो में सबसे पहले जो है हमारा ये पुस्तक समीक्षा है। पुस्तक समीक्षा में हम पहले देखेंगे कि पुस्तक समीक्षा होता क्या है। पुस्तक समीक्षा लिखकर आप किसी पुस्तक पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं कि वह अच्छी है या बुरी है, या पुस्तक को लेकर आपके क्या अनुभव हैं। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ना चाहेगा तो वह आपकी पुस्तक समीक्षा पढ़कर उस पुस्तक को पढ़ने का विचार बना सकता है। पुस्तक को पढ़ने के बाद पुस्तक के बारे में बताना ही पुस्तक समीक्षा कहलाता है। पुस्तक समीक्षा का प्रारूप, पुस्तक का नाम कर्मयोग, पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद, प्रकाशक का नाम सरस्वती पुस्तक भंडार, भाषा हिंदी, अनुवादक श्रीराम विलास शर्मा, प्रकाशन की तिथि अप्रैल 1936 ईस्वी। स्वामी जी द्वारा लिखी हुई कुछ लाइनें, उठो जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय। नाम स्वामी विवेकानंद, 1863 12 जनवरी 1863 जन्मस्थान कोलकाता। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, और आपके गुरु रामकृष्ण परमहंस, और धर्म हिंदू। मृत्यु 4 जुलाई 1902। आपके द्वारा कहा हुआ कथन, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी जी द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तकें, मेरा भारत अमर भारत, कर्मयोग, व्यक्तित्व का विकास, एकाग्रता का रहस्य और शक्तिदायी विचार, ये स्वामी जी द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के संबंध में विचार। बच्चों पर निवेश करने की सबसे अच्छी चीज़ है अपना समय और अच्छे संस्कार। ध्यान रखें, एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण 100 विद्यालय को बनाने से भी बेहतर है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हम में हैं, वह हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। ज्ञान केवल स्वयमेव वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। ये कुछ कथन स्वामी जी द्वारा कहे हुए। फिर पुस्तक का जो शीर्षक है कर्मयोग, उसके बारे में, हम जो कुछ हैं उसके लिए हम उत्तरदायी हैं, हम जो कुछ भी होना चाहें वह हो सकते हैं, कि शक्ति हम में है। यदि हमारा वर्तमान रूप हमारे पूर्व कार्यों का परिणाम है तो निश्चय ही अपने आज के कर्मों द्वारा हम अपना अभिषिक्त भावी रूप भी बना सकते हैं, इसलिए हमें कार्य करना सीखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद।
फिर भूमिका। प्रस्तुत पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी के न्यूयॉर्क में दिए गए 8 व्याख्यानों का अनुवाद है। यद्यपि कोई योग औरों से न्यून नहीं है, उनका समुचित अभ्यास करने से समान फल मिलता है, तथापि कर्मयोग के भीतर जो एक साहसिकता है, शूरता है, वह शायद औरों में नहीं। अवांध गति से चलना संसार चक्र में उसके कठोर संघर्ष का भय न कर कूद पड़ता है। उसके अनगिनत यज्ञों की पीड़ा, यत्नों की पीड़ा, माफ कीजिएगा, उसके अनगिनत यत्नों की पीड़ा सह अंत में उसे वश में कर लेना। जीवन की यह कविता इन व्याख्यानों में सविशेष झलकती है। गीता की वाणी का अनुकरण करते स्वामी विवेकानंद फिर एक बार सबको संसार की वीरतापूर्वक सामना करने के लिए आहूत करते हैं। यहाँ उन्होंने अंकपित स्वर से मनुष्य मात्र की महत्ता की घोषणा की है। क्षुद्र से क्षुद्र स्थिति का व्यक्ति भी कर्मयोगी हो महात्मा के समान अधिकार हो सकता है। अपने अपने विकास का मार्ग सबके आगे खुला है। कर्म योग की यही शिक्षा है कि मनुष्य उस पर चलकर अपनी पूर्णता का अनुभव कर सके। प्रथम अध्याय, कर्म पर चरित्र का प्रभाव। कर्म, क्र करना, जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। कर्म योग में हमें उसका कार्य से वास्ता है, जिसका अर्थ काम है। मनुष्य का ध्येय सुख नहीं, ज्ञान है। भाव चित्तों के सामूहिक परिणाम का ही नाम मनुष्य का चरित्र है। प्रत्येक क्रिया, शारीरिक व मानसिक, जो हम करते हैं वे सब ही कर्म हैं। चरित्र निर्माण में कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसका मनुष्य के सामान जिसका मनुष्य को सामना करना पड़ता है। काम करने का हमारा अधिकार है, उसके फल का नहीं। कर्म ही पूजा है। दूसरा अध्याय, मनुष्य मात्र महान है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में सत्व, रज और तम तीन शक्तियां हैं। हमारा पहला कर्तव्य, हम अपने आप से घृणा ना करें। आगे बढ़ने के लिए पहले अपने आप में, उसके बाद ईश्वर में विश्वास कीजिए। अकर्मण्यता ए सदा दूर रहना चाहिए। अकर्मण्यता से सदा दूर रहना चाहिए। कर्मण्यता का अर्थ प्रतिकार। किसी से घृणा ना करो। बुराई का बदला बुराई से ना दो। विभिन्नता में एकता सृष्टि क्रम का मूल मंत्र है। मानव मात्र महान है, परंतु एक का धर्म दूसरे का धर्म नहीं है। तीसरा अध्याय, कर्म का रहस्य, निस्वार्थ परोपकार। दूसरों की दैहिक असुविधाओं को दूर कर उनकी सहायता करना बड़ा काम है। यदि मनुष्य का चरित्र बदल जाए तो उसके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाए। मनुष्य का आध्यात्मिक उपकार ही उसका सबसे बड़ा उपकार है। अध्यात्म ज्ञान ही जीवन के तमाम कार्यों की नींव है। सांख्य के महावाक्य, समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं है। शिक्षा का तत्व यह है कि तुम स्वामी की भांति कार्य करो, दास की भांति नहीं। मरते हुए भी बिना सवाल जवाब के दूसरों की सहायता करना। चौथा अध्याय, कर्तव्य। मुसलमान कहता है, जो उसकी कुरान में लिखा है वही उसका धर्म है।
हिंदू कहता है जो उसके वेदों में लिखा है वह उसका कर्तव्य है। ईसाई कहता है उसका कर्तव्य उसकी बाइबल में लिखा है। प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य की उपासना ईश्वर की सर्वोत्तम उपासना है। हमारे कर्तव्य का निश्चय हमारी परिस्थितियों से होता है। कर्म करें, जो कुछ भी सामने कर्तव्य आवे उससे मुंह ना मोड़ें। कर्म की गाड़ी में सदा ही कंधा देने के लिए तैयार रहें, तब हम अवश्य प्रकाश देखेंगे। पांचवा अध्याय, हम अपना उपकार करते हैं ना कि संसार का। प्रत्येक धर्म के तीन भाग होते हैं, पहला दर्शन, दूसरा पुराण और तीसरा उपासना। दर्शन प्रत्येक धर्म का तत्व होता है। पुराण पूर्व महापुरुषों के चरित्र, कहानियों और कथाओं का व्यक्त करता है। उपासना दर्शन का स्थूल रूप है। यह संसार चरित्र गठन की एक महती व्यायामशाला है, जहां हम सभी को कसरत और अधिकाधिक अध्यात्म शक्ति संपन्न होना है। हमें जितनी भी शांति होगी और हमारा चित्त स्थिर होगा, हम उतना ही प्रेम कर सकेंगे और कर्म उतना ही अच्छा होगा। छठवां अध्याय, पूर्ण आत्मत्याग ही अनाश शक्ति है। जिस प्रकार हमारे प्रत्येक कृत कर्म की प्रतिक्रिया लौट कर हमारे पास आती है, उसी प्रकार हमारे कार्यों की प्रतिक्रिया दूसरों पर और उनके कार्यों की प्रतिक्रिया हमारे ऊपर होती है। कर्मयोग के अनुसार एक बार किया गया कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं हो सकता। संस्कृत के दो शब्द प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति किसी की ओर जाना, निवृत्ति उससे दूर होना। यह सोचना निर्बलता है कि मेरा कोई अहित है तथा मैं दूसरों का भला कर सकता हूँ। ज्ञान और कर्म में केवल मूर्ख विभेद करते हैं, बुद्धिमान नहीं। सातवां अध्याय, मोक्ष। स्वतंत्रता पाने के लिए हमें इस सृष्टि की सीमाओं के परे जाना होगा। यहाँ वह संभव नहीं है। यदि हम मन और इंद्रियों से ये संसार से नाता तोड़ें तो हम तुरंत मुक्त हो जाएं। कर्मयोग हमें कर्म का रहस्य, उसे करने की उचित प्रणाली बताते हैं। कर्मयोग हमें यह मानने के लिए बाध्य करता है कि यह संसार क्षणभंगुर है। शरीर न मेरा है, न तुम्हारा, न अन्य किसी का। ये शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार आते जाते हैं, परंतु हम साक्षी रूप मुक्त हैं। कर्मफल त्याग दो, भलाई के लिए भलाई करो, तब पूर्ण आशीर्वाद तब पूर्ण अनासिद्धि तुम्हें मिलेगी। आत्मा के बंधन टूट जाएंगे, हमें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कर्मयोग का लक्ष्य है। आठवां अध्याय, कर्मयोग का आदर्श। जो स्वार्थपूर्ण है वह अनाचार है, जो निस्वार्थ है वह सदाचार है। प्रत्येक कर्म जो बिना स्वार्थ भावना के किया जाता है, बंधन
सहने के स्थान में पुराने बंधनों की एक लड़ी को तोड़ देता है। बुद्ध एक ऐसे पुरुष थे जो कर्मयोग के सिद्धांत। बुद्ध एक आदर्श कर्मयोगी थे। वह सबसे उत्तम कर्म करता है जो बिना धन, मान, कीर्ति अथवा अन्य किसी स्वार्थ भावना के कार्य करता है। इस पुस्तक द्वारा मिली सीख। कर्मयोग पुस्तक में हमें यह सीख मिलती है कि यह जीवन आपको कर्म करने के लिए मिला है। बिना कर्म किए आप एक क्षण भी नहीं रह सकते, इसलिए कर्म से अकर्म और अकर्म से कर्म करते हुए किस प्रकार उन्हें ईश्वर अर्पण किया जाए, यह रहस्य इस पुस्तक में अत्यंत सरलता पूर्वक समझाया गया है। यदि आप जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।